सर्दियों में बाहर की ठंड को झेलते हुए जब हम अपने घर पहुंचते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एक वॉर्म, कंफर्टेबल और कॉजी एनवायरनमेंट की, जो कि इस मौसम की एक बेसिक जरूरत भी है। लेकिन अगर हमें वो कंफर्ट और उष्मा घर पहुंचकर भी नहीं मिलती तो एक कमी का एहसास होता है। आपके होम डेकोर में विंटर फ्रेंडली ऑरा क्रिएट करने के लिए मैं लेके आई हूँ आज कुछ ऐसे टिप्स जो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने में आपकी हेल्प करेंगे। मैं हूँ आर्किटेक्ट अनिता खरकोदी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर पाए। किसी भी इंटीरियर में विंटर लुक क्रिएट करने के लिए कलर्स एक बहुत बड़े फैक्टर का काम करते हैं। इसके लिए वार्म टोन्स बेस्ट रहते हैं। आप डीप रेड, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर और गोल्डन को अपने होम डेकोर में ऐड करके ये वार्म लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर बेसिक कलर स्कीम आप व्हाइट ही रखना चाहते हैं तो ये वार्म कलर्स आप किसी फर्नीचर पीस, वॉल पेंटिंग या कर्टेंस के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं अपने होम डेकोर में। विंटर सीजन में आपका होम डेकोर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके रूम्स को वार्म अप करे। इसमें लाइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सॉफ्ट लाइट्स और रिच कलर आपके रूम्स को कंफर्टेबल, इजी और वार्म बनाएंगे। अगर डेकोरेटिव लाइट स्ट्रैंड्स को ब्यूटीफुली यूज किया जाए तो ये आपके इंटीरियर को एक अलग ही एम्बियंस प्रोवाइड करेंगे। आप इन डेकोरेटिव स्ट्रैंड्स को डोरवेज के पास, विंडो सील्स पर और कैबिनेट टॉप्स पर भी रख सकते हैं। अपने रूम्स में टेबल लैम्प्स भी ऐड करें, ये भी आपकी एम्बियंस को बढ़ाने में मदद करेंगे और रूम आपका पहले से ज्यादा वार्म अप हो जाएगा। विंटर फ्रेंडली होम डेकोर के लिए फर्निशिंग से ही चूज करें। आपकी फर्निशिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको विंटर्स के लिए रेडी करे। सोफा और चेयर्स की अपॉलिस्ट्री भी विंटर्स के अकॉर्डिंग ही चूज करें। सर्दियों के मौसम में आपके शेयर कर्टन जो कि आप गर्मी में यूज करते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। इस मौसम में आपको हैवी मटेरियल्स यूज करना चाहिए। इसके लिए आप डबल ब्रैकेट्स वाले हुक्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें फ्रंट साइड में आप अपने हैवी मटेरियल वाले कर्टन्स को ऐड कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब धूप निकलेगी तो आप अपने हैवी कर्टन्स को थोड़ा साइड कर सकते हैं और शेयर कर्टन्स के थ्रू आपको धूप पूरी तरह से मिलती रहेगी। सर्दियों में ठंडा फर्श पैरों को बहुत चुभता है तो अपने होम डेकोर में रग्स को ऐड करें। ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगे और आपको वो ठंडी और अनइजी सेंसेशन फील नहीं करनी पड़ेगी। कारपेट्स और रग्स आपके होम डेकोर को एक वार्म्थ और कलर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही एक बहुत अच्छे इंसुलेटर का काम भी करते हैं। टेराकोटा टाइल्स ऐड करके भी आप अपने इंटीरियर को एक अर्थी लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। टेराकोटा टाइल्स आपके इंटीरियर को वार्म और कॉजी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। आप नेचुरल वुड या इंजीनियर्ड हार्ड वुड भी यूज कर सकते हैं। ये वुड भी आपके इंटीरियर को अर्थी लुक देने में हेल्प करेगी। इन टेराकोटा टाइल्स या हार्ड वुड को आप अपने टेबल टॉप, जैसे डाइनिंग टॉप या सेंटर टेबल टॉप पर भी यूज कर सकते हैं। अपने होम डेकोर में विंटर फ्रेंडली एसेसरीज यूज करके भी आप अपने इंटीरियर्स को और खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए आप कैंडल्स ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग थिकनेस और हाइट की कैंडल्स को यूज करें। ये आपके इंटीरियर्स को वार्म्थ और ब्राइटनेस प्रोवाइड करेंगी। आप इन कैंडल्स को ग्रुप्स में यूज करें, साथ ही क्रिस्टल कैंडल स्टैंड या फिर ब्रास स्टैंड भी यूज किए जा सकते हैं। ये आपकी इंटीरियर की ब्राइटनेस बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। इनके अलावा कुछ बेसिक टिप्स जो विंटर्स में आपको फॉलो करने चाहिए। सोफा, काउच और बेड पर फैब्रिक का एक एक्स्ट्रा लेयर यूज करें। इसके लिए डीप कलर्स को अपने इंटीरियर में शामिल करें। सॉफ्ट और फ्लफी विंटर फ्रेंडली फैब्रिक को चूज करें। वार्म और कोजी फीलिंग के लिए अपनी बेडशीट, कुशंस और पिलोज के लिए वेलवेट या फिर वुलन फैब्रिक्स का यूज करें। इस मौसम में पिलोज और कुशंस का खुलकर इस्तेमाल करें, यानी आप क्वांटिटी काफी ज्यादा रख सकते हैं कुशंस के। अपने इंटीरियर को सीजन वाइज चेंज करने के लिए आर्ट और क्राफ्ट बहुत अच्छी तरह से यूज किए जा सकते हैं। आप अपनी वॉल हैंगिंग्स और पेंटिंग्स में डीप और वार्म कलर्स को ऐड करें।
तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा जिसे आप अपने इंटीरियर में यूज करना चाहेंगे और जो आपको विंटर के लिए रेडी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।